चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में भी देख लीजिए। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल या शैल, और जस्ट इसके बाद हम नॉट जोड़ देंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो कुछ बचा रहेगा इसमें अदर में। इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर देख लीजिए, पैसिव वॉइस। अब देखिए इसमें लूज भी होता है, और देख लीजिए इसको, सब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो क्या करें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। अब देखिए विल या शैल है, तो विल भी शैल भी होता है इसका, विल या शैल प्लस बी जोड़ देंगे। अब देखिए नॉट है ना, तो शैल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसमें फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बाई लगाकर जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, उसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, ये होगा बाई सब्जेक्ट प्लस जो कुछ बचा रहेगा हम अदर लिख देंगे। इसका एग्जांपल देते रहे हम, एक्टिव वॉइस सीमा विल नॉट, सीमा विल नॉट गो टू जयपुर। अब देखिए इसको हमें पैसिव वॉइस चेंज करना है, पैसिव वॉइस। देखिए सीमा विल नॉट गो टू जयपुर, अब देखिए इसमें जयपुर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ हम सब्जेक्ट बना देंगे, ये हो जाएगा जयपुर। अब देखिए अभी तक सीमा के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा था, इसमें जयपुर के अनुसार वही हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी, लेकिन नॉट लगा है तो ये हो जाएगा विल नॉट बी, विल नॉट बी। अब देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए इसमें गो है मेन वर्ब, इसका गो वेंट गॉन, इस प्रकार इसका रूप चलता है, ये हो जाएगा गॉन, जयपुर विल नॉट बी गॉन, टू बचा इसमें, बाई लगाकर क्या करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो बाई किसके द्वारा, सीमा, बाई सीमा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, रीना विल से टू मी, इसको पैसिव वॉइस चेंज करना है, पैसिव वॉइस। अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर प्लस रूल दोनों के साथ देख लेंगे, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें मी, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, अब इसके साथ आई के साथ क्या लगता है सेल, तो यहाँ लगाएंगे सेल, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे विल नॉट, यहाँ नॉट जोड़ देंगे। अब देखिए आई सेल, तो क्या हो जाएगा यहाँ आई सेल नॉट बी, आई सेल नॉट बी। अब देखिए मेन वर्ब क्या है से का थर्ड फॉर्म क्या होता है सेड होता है, एस ए आई डी, और बाई लगाकर सब्जेक्ट को क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाई किसके देना, इस प्रकार हम इसका एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे।